आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई एक खबर है, आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लगातार समन जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे, कथित शराब घोटाले में उनका नाम आया है, आज पेशी हो सकती है। ईडी केजरीवाल को अब तक 6 समन भेज चुकी है, अपने 6ठे समन में ईडी ने आज पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अपने जो लॉयर हैं उनसे इस बारे में चर्चा कर रहा हूं और उसी हिसाब से कदम उठा रहा हूं। लेकिन क्योंकि राज रेवेन्यू कोर्ट पे भी ये मामला जा चुका है, अब देखते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। शराब घोटाला मामले में उनके कई मंत्री अभी जेल में हैं, सांसद संजय सिंह भी जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जानबूझकर हमारी सरकार को गिराने की ये साजिश रची गई है ताकि हम चुनाव में प्रचार प्रसार ना कर पाए। लेकिन ईडी चूंकि बिना सबूत के कभी भी जांच नहीं करती, कहना है कि हमारे पास सबूत हैं और जिसके चलते अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना जरूरी है। लेकिन अब देखना होगा कि समन 6 भेजने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली सरकार संकट में है, तमाम बड़े चेहरे जेल में हैं, सांसद संजय सिंह भी हैं, अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब भी मैं जाऊंगा पूछताछ के लिए तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है कि मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगा। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार समय ले रहे हैं। लेकिन आज का दिन अहम साबित हो सकता है, 6 समन भेजने के बाद आखिर कब तक ईडी के समन अवॉइड करेंगे अरविंद केजरीवाल, ये भी बड़ी बात है। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं।